19 जादुई कदम, मैजिक फुटस्टेप्स। तो हम रोज अपने कदम उठाते हैं, लेकिन अब से मैजिकल फुटस्टेप्स सिखाएंगे, जादुई कदम। हर दिन ये कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि सभी लोग इनको जानते होंगे, चाहे वो साइंस पढ़े भी हों या ना भी पढ़े हों, तब भी इनका नाम जरूर जानते होंगे। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो भले आपने वो सब्जेक्ट दूर दूर तक नहीं कभी सुना ना पढ़ा, लेकिन वो लोगों के नाम आप जरूर जानते होंगे। और वो लोग वही स्पेशल लोग होते हैं जो कुछ अलग क्रिएट करते हैं, जो कुछ अलग करते हैं। तो चलिए आज एक ऐसे भी उनकी एक लाइन समझते हैं कि हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, वो जीवित भी हो सकते हैं और मृत भी हो सकते हैं, के श्रम पर निर्भर करता है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी जो मिलता चला जा रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। सीधा सा मतलब यही है, आई मस्ट एग्जर्ट माई सेल्फ इन ऑर्डर टू गिव इन द सेम मेजर एज आई हैव रिसीव्ड एंड आई एम स्टिल रिसीविंग। नॉर्मली जितना हमें मिला हुआ होता है, उतना हम नहीं समझते कि हमें कुछ भी मिला है। हम सिर्फ और सिर्फ इस कोशिश में लगे रहते हैं कि और हमें क्या चाहिए। तो ये लाइन है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, भौतिकी शास्त्री हैं, फिजिसिस्ट हैं। तो इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उनकी बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिसकी बेस तो पूरी फिजिक्स टिकी हुई है, लेकिन उससे भी बड़ा यह हमारे लिए जो उपयोगी है वो यही है कि सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता। हर दिन हमें क्या देना है? जितना हमें आज तक मिला है और मिलता चला जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना मिला है और हर समय कितना मिलता चला जा रहा है, उसके अनुपात में हम दे रहे हैं। अगर देना शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी थोड़ी सी कंजूसी है तो कंजूसी बिल्कुल ना करें, देना भरपूर देना शुरू करें। तो आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा कि हाँ भाई, उनके बस स्टेप्स को फॉलो कर लो तो वहां तक पहुंच जाओगे, इनके अच्छे कदमों पे चलो, ऐसा कुछ है ना? मतलब इन्होंने एक रास्ता बना दिया है और इसके उस पे चल सकते हैं। जब भी आप कुछ बड़ा काम करने जाते हैं तो आप उन लोगों को जरूर देखते होंगे जिन्होंने ये काम पहले से कर रखा है। एवरेस्ट की चढ़ाई करनी, पता नहीं करनी है कि नहीं करनी है यहाँ पे किसी को, लेकिन एक बार ऐसे सोच के देख लो कि हाँ भाई चलो एवरेस्ट मतलब ऊपर चढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जो लोग चढ़ चुके हैं उन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप चलो अपना अलग में रास्ता बनाते हैं। जब अगर अलग रास्ता बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा। आप सबको पता है कि कैसी चढ़ाई है और वहाँ कितनी सारी मुश्किलें हैं। तो सीधी सी बात है कि लाइफ जो है ना, तो ये जिंदगी चल रही है, वो भी किसी एवरेस्ट की चढ़ाई से कम नहीं है। तो अगर कोई पहले चढ़ चुका है, पहले चल चुका है, इसीलिए हमारे यहाँ ये सारी जो गीता और रामायण, इसके जो पाठ हम सुनते आ रहे हैं ना, वो सारे क्या है, एक तरह से आप देखें मैप है। मैप समझ रहे हैं ना, कि जैसे मान लो एवरेस्ट भी चढ़ना है तो आपको मैप आपको पता चल गया कि हाँ इस तरह से इस रास्ता ये है, इसको चढ़ सकते। तो मैप का अनुसरण करने के लिए ही हमारे यहाँ ये सारी चीजें हैं, गीता ज्ञान लेते हैं और जो हम बार बार हम उसको सुनना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा टाइम आ चुका है कि वो सुनना तो ठीक है, सुन लिया, समझ लिया मैप को, लेकिन अब मैप रटने से कोई फायदा नहीं है, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। आपको एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी तभी आप ऊपर चढ़ पाएंगे, मतलब लाइफ में आगे चलना पड़ेगा तभी आगे पहुंच पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको मैप मिल गया है कि हाँ भाई मैं ऊपर कैसे जा सकती हूँ, आपने मैप अच्छे से रख लिया है, बिल्कुल अच्छे से रख लिया है कि 10 कदम बाद इधर चलना है, 50 कदम बाद उधर चलना है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे रात गुजारनी है, ये सारा मैप है, आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया है ना? याद करने का मतलब क्या है? जो हम सुंदरकांड पढ़ते रहते हैं, जो हम गीता को बार बार सुनते हैं, लेकिन अब जब तक हम चलेंगे नहीं उस रास्ते पे, तब तक हम पहुंचेंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है मैप को समझना, उसको याद कर लेना, लेकिन जब तक हम रास्ते में आगे बढ़ेंगे नहीं,
तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलो अच्छा, ये अलग सी बात थी, लेकिन फुट स्टेप्स को हमें पता चल गया है कि रास्ता कहाँ है, क्या जा रहा है, उस रास्ते पे बस निकल पड़े और अपने आप को कमांड दे कि हाँ भाई अब मुझे चलना है, ना कि वो रास्ते का जो मैप बना हुआ है उसे याद करते रहना है। बहुत जन्मों तक हमने वो याद करके हम बैठे, लेकिन अब चलने का समय आ गया है। आज आइंस्टाइन की तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। देखिए, कदम उठाना मतलब एक कुछ नया काम करना। एक चीज ये भी समझ लें कि कुछ भी हम जब शुरू करते हैं तो आगे कदम उठाते हैं। तो आज से अपने नया शुरू करना मतलब नई लाइफ को शुरू करने का मतलब क्या है? सीधा सा, आप ये जो प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत पावरफुल है। आप सबने सुना होगा कि ये वर्ड मनसा वाचा कर्मणा है ना, इस पर भी चीज सुनिए। मन से, वाणी से और कर्म से आता है। इस चीज में तीनों चीज आ रही है, और नॉर्मली जो भी हम पूजा पाठ भी करते हैं ना, उसमें भी ये तीनों चीज ही इन्वॉल्व होती है। जैसे आपने देखा होगा वो आरती करते हैं, भजन करते हैं, गाते हैं और भक्ति में डांस भी करते हैं, तो ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं। इसलिए ये जो प्रैक्टिस है इसमें आप तीनों चीजों को यूज करेंगे। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप चलेंगे, थैंक यू बोलेंगे और मन में उस फीलिंग को फील करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। और फिर वही बात है कि 100 कदम सिर्फ एक आपके लिए वो है, मिनिमम आपको बताया गया है, बाकी इसके ऊपर करना आपकी मर्जी है। तो जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादू शब्द कहता है। आपने पैर जमीन पे छुआ, आपका मन जादू शब्द कहेगा, और जब फिर दूसरा पैर जमीन को छुएगा तो आप दोबारा धन्यवाद कहेंगे। मतलब एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ ये जादुई शब्द धन्यवाद कहते रहेंगे। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप कहीं भी, किसी भी समय और कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे आप अपने घर में ही आप इधर से उधर घूम रहे हो तो भी कर सकते हैं, है ना? देखो, अच्छा इसमें भी लिखा हुआ है कि आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, यहाँ तक कि कचरा बाहर फेंकने जाना हो, तो उसमें भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी मीटिंग के लिए जाना हो, कोई ट्रेन बस टैक्सी पकड़ने के लिए जाना हो तो ये भी कर सकते हैं। कोई इम्पोर्टेंट, आप जैसे कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, चलिए डेटिंग करने जा रहे हैं, या नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई ऑडिशन देने जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, एटीएम जा रहे हैं, डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप चलते समय इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इसमें अलग से कोई भी टाइम नहीं देना है। तो देखिए, ये जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब सड़क पर भी पैदल चलती हैं या कहीं भी पैदल चलती हैं तो इस जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हैं, और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हैं। कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हैं। तो गलीचा क्या होता है कि आपने कदम रखा, इसका मतलब नीचे ऑलरेडी कुछ है, कारपेट है। तो कैसे रखा? जैसे एक पैर रखा, आपके अंदर से थैंक यू निकला, वो थैंक यू जो है आप उसको वैसे ही समझेंगे कि एक कारपेट है, आपने अभी रखा ही कदम और गलीचा बिछता चला जा रहा है आपके लिए, वो रेड कारपेट है ना। ऐसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप चल रहे हैं वो आपके लिए एकदम रेड कारपेट बिछती चली जा रही है, कैसे? थैंक यू की एनर्जी से। तो अगर इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे उससे पहले आपको कैसा लग रहा था, और जब आप ये पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब आप थोड़ा सा भी चल फिर लेंगे इस प्रैक्टिस के साथ, तो आपकी फीलिंग्स में बहुत बड़ा चेंज आएगा। इसमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई फीलिंग्स नहीं भी आती है ना, तो शुरुआत में विदाउट एनी फीलिंग्स आप ये बस प्रैक्टिस करिए, फीलिंग्स अपने आप ही आएंगी, और उसके बाद इतनी अधिक आपको खुशी महसूस होगी, वो आप खुद ही आप करके देखेंगे तब पता चलेगा। तो किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, किसी भी तरह की एंजाइटी हो, किसी तरह का डर हो, किसी भी तरह के अंदर नेगेटिविटी चल रही हो, तो आप ये प्रैक्टिस तुरंत कर सकते हैं। आप जब वॉक करेंगे और इस एनर्जी के साथ वॉक करेंगे, तो आप सबको पता है कि उसी समय हमारे ब्रेन में इस तरह के हॉर्मोन्स निकलते हैं
जो कि आपको हैप्पीनेस देंगे ही देंगे। चलिए, तो इसमें ये बताया गया है कि आपको ये मिनिमम 90 सेकेंड्स तक करना है। इसमें ये भी लिखा है कि एक आम आदमी जो है वो 90 सेकेंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। तो अब इसमें ये नहीं देखना है कि जब आप चल रहे हैं तो आप कदमों को गिनते जाएं कि चलो एक कदम हो गया, दो कदम हो गया, या फिर आप अपनी घड़ी देखते जाएं कि 90 सेकेंड हो गए कि नहीं हो गए। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस कहाँ रखना है, अपनी फीलिंग्स पे रखना है, बिकॉज फीलिंग इज द सीक्रेट। तो जब आप ऐसा कर चुकेंगे तो आप 100 बार मिनिमम ये जादुई शब्द धन्यवाद कह चुकेंगे। तो जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? ऐसा हुआ है कभी 100 बार धन्यवाद कहा है? अब तो हो गया होगा, बिकॉज इतने दिनों से जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा हो चुका होगा। बोलना ही नहीं, लिखना भी हो चुका होगा, है ना? इतना तो हमने लिख भी लिया होगा, 100 बार थैंक यू थैंक यू। चलिए, लेकिन आइंस्टाइन ने ये काम हर दिन किया है विदाउट एनी गैप। हम लोग कभी कभी गैप कर देते हैं कि चलो अच्छा भी थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं। तो आज का असाइनमेंट यही रहेगा कि अपनी नियामतें जो 10 आप लिखते हैं विद रीजंस वो लिखेंगे ही लिखेंगे, और हर नियामत को पढ़ेंगे और अंत में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद 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 3 बार कहना ही कहना है, और हर नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। महसूस करना ही सीक्रेट है। तो इस चैप्टर का असाइनमेंट यही है कि दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड उठाएं, और ऐसा आप तब भी कर सकते हैं अगर आप वॉक वगैरह करने जाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग जो भी है, नेचर के साथ अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें, और रात में जब सोने से पहले ठीक पहले अपना मैजिक रॉक हाथ में पकड़ेंगे, जादुई पत्थर पकड़ेंगे, और दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसे दिमाग में लेकर आएंगे, और जो सबसे अच्छा हुआ है उसके लिए थैंक यू करके सो जाएंगे। तो ये रहा आज का चैप्टर। अब जो थैंक यू करना है, धन्यवाद धन्यवाद करना है हर स्टेप पे, तो शुरुआत में हो सकता है कि आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं आए, तो कोई बात नहीं, बस आप थैंक यू करने लगे, फीलिंग्स अपने आप जनरेट होंगी। ठीक है, तो जिसे कहते हैं ना वो नाम जप वाली बात होगी, सिर्फ आप चैंट कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे तो फीलिंग्स अपने आप आएगी। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड लेवल आएगा कि जो चीजें आप देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं जो चीजें, उनके लिए थैंक यू कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप पार्क में हो तो ट्रीज आपको दिख रहे हो, प्लांट्स दिख रहे हो, ग्रास दिख रहे हो, वहाँ लोग बैठे हुए दिख रहे हो, आसमान दिख रहा हो, वहाँ चिड़िया चंगुल दिख रहे हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपको दिख रहे हो, उनके लिए आप थैंक यू कर सकते हैं उनका नाम लेके। उसके बाद थर्ड लेवल क्या है, आप इनके रीजंस भी अपने दिमाग में लेकर आ सकते हैं। हो सकता है कि आप वॉक करने अगर निकले हैं तो एटलीस्ट 30 मिनट्स ही तो वॉक करेंगे, 20 मिनट्स ही तो वॉक करेंगे ना, तो उस 20 मिनट्स में अपना इधर उधर का काम छोड़ दें, और ये थैंक यू विद रीजंस, ये थर्ड लेवल हो गया। मेरा इंटरनेट सही है? तो विद रीजंस क्या हो गया कि जैसे आपने ट्रीज देखे, वहां पे पेड़ देखे तो वो आपको ऑक्सीजन देते हैं, है ना, और प्लांट्स देखे, ग्रास देखे, लोग देखे, तो वो सबके पीछे रीजंस सही है, तो उन रीजंस को हम अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो फीलिंग का जो लेवल है वो और बढ़ेगा। ये हो गया थर्ड लेवल। अभी फोर्थ लेवल क्या हो गया कि आप जिस चीज को देख रहे हैं और उसके लिए विद रीजंस थैंक यू बोल रहे हैं, उसके साथ एक कनेक्शन फील कर सकते हैं। जैसे आपने, आपको पता है कि हाँ यहाँ ट्रीज है, आप ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन एक बार आपने उसकी तरफ देखा, हम सबको पता है कि देखने का असर कुछ डिफरेंट होता है। तो जैसे ही अगर आपने उस प्लांट उस ट्रीज को देखा और देख के थैंक यू विद रीजंस बोला, तो उस ट्री की एनर्जी तो चेंज होगी होगी, लेकिन उसका इफेक्ट वापस लौट के आपके पास जो आएगा वो भी एक अलग आएगा। और ऐसा जब आप करते हैं तो जब भी आप इस तरह से आई कांटेक्ट या देख के किसी को थैंक यू बोलते हैं, तो ऐसे समझिए कि उसी मोमेंट में आप वहीं रहते हैं, और ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी हो सकती है। आप सबने सुना होगा नाम माइंडफुलनेस, आजकल बहुत चला है माइंडफुलनेस मेडिटेशन और ये भी। तो इस तरह का काम करने से आप माइंडफुलनेस मतलब उसी मोमेंट में आप रहेंगे, आपका ध्यान कहाँ है, आप बोल क्या रहे, आप सोच क्या रहे, वही रहेंगे, आपका मन उसी जगह उसी समय रहेगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जहाँ है वहीं आपका मन भी रहे। नॉर्मली हमारा मन या तो
पीछे रहता है, पास्ट में रहता है, या तो फ्यूचर में रहता है। और जब भी नहीं, हमेशा ही रहता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आप जहाँ हैं उसी समय आपका मन हो, है ना। बहुत कम ऐसा टाइम आता है। और इसी वजह से फिर जब भी ऐसा होता है तो फिर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। वो एक अलग ही चीज हो गई है कि अगर मन आपके साथ ना हो तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, आने लगती हैं। ये एक फोर्थ लेवल की प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस है। आप इससे माइंडफुलनेस तो हो ही गया, इसको अगर और प्रैक्टिस करते हैं तो आप वननेस की फीलिंग क्रिएट करने लगेंगे एक टाइम के बाद। वननेस मतलब आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, सभी कुछ एक ही है, सभी चीजें एक से जुड़ी हुई हैं। बिकॉज आप हर चीज को फील करने लगेंगे और आप खुद देखेंगे कि आप, तो मैं अभी क्या बताऊं, लेकिन आप एक एडवांस उस पर पहुंचेंगे कि आप जैसा उसको बोल रहे हैं वो वैसा ही है। जैसे मान लो आप ऐसी जगह खड़े हो पार्क में जहाँ कुछ पत्ते वगैरह ना हिल रहे हो, बहुत गर्मी है, लेकिन आप एक स्टेज पे ऐसे आ चुके हैं। तो जब आप इस तरह से कमांड, तो मैं नहीं कहूंगी, इस तरह के रिक्वेस्ट अगर आप करते तो आप खुद ही देखेंगे कि वहाँ हवा चलने लगेगी, है ना। ऐसी चीजें होती हैं, तो वो एक लेवल के बाद ही होती है। तो मेन चीज क्या है, बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर चीज को थैंक यू, दिल से थैंक यू। और फिर मैजिक तो है ही है, पूरा यूनिवर्स मैजिक से ही भरा है, तो आपको चारों तरफ मैजिक से दिखाई देगा। ठीक है, चैप्टर बस इतना सा ही था, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस इसीलिए है कि आप इसको, इसकी लेवल और बढ़ा के अपने अंदर अपनी अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रेस और बढ़ा सकते हैं, प्रोग्रेस बढ़ा सकते हैं। बिकॉज ये बुक तो आपको शुरू में ऐसी लग रही होगी मैजिक बुक है ना, लेकिन आप धीरे धीरे देख रहे हैं, जितनी बार आप प्रैक्टिस ये मैजिक बुक कर रहे हैं उतनी बार आपको समझ में आ रहा है कि ये और डीप में जाया जा सकता है, और डीप में घुसा जा सकता है। इससे क्या ना मिल जाए ये आप समझ नहीं सकते। हर चीज मिल सकती है, आपकी जहाँ भी जो भी इच्छाएं हैं, चाहे मटेरियल वर्ल्ड में हो चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, वो सब चीजें मिल सकती हैं। मैम, जैसे आपने बताया फोर्थ लेवल, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम तो नहीं, मैं तो नहीं पहुंची अभी फोर्थ लेवल पे, मन चाही चीज हो ही जाती है जल्दी जल्दी, वो मैजिक ही हुआ ना मैम। अब बिल्कुल बिल्कुल, पर नहीं, ये फोर्थ लेवल जब नेचर के साथ ऐसा मैजिक होने लगे, जैसे आप शायद होंगी ना, एक बार क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं कहाँ एक जगह गई थी, मैं कोई एग्जाम था मेरी डॉटर का, है ना, वहाँ पे बहुत तेज धूप थी और पता तो नहीं था, है ना, आप भी थे शायद। तो मेरे पास एक ऐसे फालतू पेपर पड़ा था, मैंने लिया और पेड़ के नीचे वहां बैठ गई, और बात मतलब बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, पसीने आ रहे थे, और एक ही पेपर था जिसकी उस साइड कुछ और लिखा था, कुछ और फोटो स्टेट वगैरह था, एक ही प्लेन पेपर था एक साइड पीछे। और मैंने बस क्या किया कि चलो ठीक है, जितनी चीजें वहां जो भी दिख रहा है उन सबको थैंक यू करना शुरू किया। और आधा ही पेपर अभी फिर हुआ था कि ऐसा पता नहीं कहाँ से बादल आ गए और इतनी अच्छी हवा चलने लगी। मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि ऐसा मौसम हो जाए या कुछ हो जाए, मैं तो बस एक, जैसे कहते हैं ना, कि अपना टाइम जो वेस्ट हो रहा था उसको मैंने सोचा कहीं इन्वेस्ट कर दूं। तो लेकिन क्या हुआ कि नेचर के साथ आपने देखा कि चेंजेस आने लगे। और कई बार मैंने वहां भी देखा है कि जैसे आप समुद्र के ऊपर खड़े हैं, जो लहरें आ रही हैं, आप उनको भी वो कर सकते हैं कि भाई अभी वहीं तक रहना है या और मेरे पास तक आओ। इस तरह की जो चीजें है ना, वो भी मैंने एक्सपीरियंस करी है कि थोड़ा दूर खड़े हो गए और बोला कि हाँ भाई थोड़ा लहरें और मेरे पास आओ, तो ऐसा भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और पेड़ों की वो जो हवा वाली बात है वो भी किया हुआ है। तो जो लोग पुराने हैं, जो इतने दिनों से कर रहे हैं, वो इन चीजों को ऐसा करके देखें तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वो एक और कौन थी, श्रावणी, है ना, वो भी कह रही थी कि बहुत बारिश हो रही थी और पता नहीं हम जा नहीं पा रहे थे, कुछ ऐसा था, तो उसने भी ये सब किया और बारिश ही रुक गई। तो ये जब नेचर के साथ आप जब ऐसा करने लगते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। और पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को कमांड दे रहे हैं या कुछ ऐसा है, आप बस ऐसे समझो कि वो जो नेचर है, नेचर क्या है, फाइव एलिमेंट्स, और आप भी फाइव एलिमेंट्स हो। लेकिन जब आप उससे अपना कनेक्शन आप समझने लगते हो ना, तो आपके अंदर जैसे विचार आते हैं वो ट्रांसफर होते हैं और वैसे ही फिर लौट के आता है। उस चीज का अपना अलग मजा है, वो जो पुराने लोग हैं ऐसा करके देखें। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच सभी को, शुभरात्रि, गुड नाइट। हरिओम।
हरिओम जी, थैंक गुड नाइट, यू, गुड थैंक यू सो मच. इवनिंग, थैंक यू, थैंक यू देवी. बाय.